गुड इवनिंग खुलुमखा, मैं आपके पास आया हूँ बहुत दिन के बाद फेसबुक लाइव करने के लिए। ये इतने देर में मैं फेसबुक लाइव में आ रहा हूँ, ये प्लान नहीं था, लेकिन मैं आज ही पहुँचा हूँ त्रिपुरा। और पहुँचने के बाद मैंने देखा है कि ZDO का और सब ZDO का रिजल्ट आया है। जो लोग भी क्वालिफाई किया है मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, लेकिन इसमें दो तीन चीज़ है जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। और मैं अपने ADC के ऑफिसर्स को एक बात क्लियरली बोलना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंसी हमेशा रहना चाहिए। इसमें ना जो लोग क्वालिफाइड हुए हैं 605 लोग, ना उनका क्या परसेंटेज पॉइंट्स मिला है, क्या मार्क्स मिला है, ये लिखा गया है। अच्छा, इसमें कट ऑफ मार्क भी नहीं लिखा गया है, ST के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए, SC के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए, जनरल के लिए कितना कट ऑफ होना चाहिए, ये सब भी क्लियरली आना चाहिए था। और जब इतना बड़ा डिसीजन निकलता है तो आप डेट को भी ठीक से आपको लिखना चाहिए था। कहीं में लिखा है 7-10 जुलाई और कहीं में लिखा है आज है 10-10 सितंबर। तो ये सब चीज़ ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो मैं ADC के एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आज ही पहुँचा और मैं जैसा पहुँचा हूँ मैंने ये मैसेज देखा है। सबसे पहले आप क्लियरली लिखाइए कि ST के लिए क्या कट ऑफ होगा, SC के लिए क्या कट ऑफ होगा और जनरल के लिए क्या कट ऑफ था, इसको आप प्रिंट कीजिए और पब्लिश कीजिए। सेकंड, ये जो लोग 605 स्टूडेंट्स लोग सिलेक्ट हुए हैं, इनका क्या मार्क्स है, इनका मार्क्स को भी प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है या जो पहले 605 में है, कौन फर्स्ट पोजिशन में है, कौन 300 पोजिशन में है, वो भी क्लियरली आना चाहिए। रोल नंबर आपने दिया है लेकिन उनका क्या परसेंटेज मार्क्स था, तभी तो उनको हम इंटरव्यू में लाएंगे, ये भी क्लियरली आना चाहिए। लोगों का अधिकार बनता है ये जानने के लिए। और तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब हम लोग ये सब चीज़ करते हैं तो एक बार ऑफिसर्स को CM से, मुझसे, हमसे बैठकर बात करके डिस्कस करके क्या पब्लिश करेंगे ये तो दिखाना चाहिए। एनीवे, ये सब हो चुका है। मैं सबसे पहले जो 605 क्वालिफाई किया है मैं उनको विश करना चाहता हूँ, और जो क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं मैं उनको भी बोलना चाहता हूँ कि चिंता मत कीजिए, आने वाले दिन में और भी हम लोग पोस्ट खोल रहे हैं। और मैं अपने ADC के एडमिनिस्ट्रेशन को इमीडिएटली इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, मैंने CM से भी बात किया है और मैं CK जमातिया जी IAS ऑफिसर से भी बात करूँगा कि ऐसा नहीं चलता। आप पहले कट ऑफ मार्क कैटेगरी में क्या है वो लिखिए, और जो लोग पास हुए हैं, जो 605 लोग जो इंक्लूड हुए हैं लिस्ट में, उनका मार्क्स भी आपको आना चाहिए, जिन्होंने किस परसेंटेज में, वो किस अधिकार से यहाँ तक पहुँचे हैं। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू बी ट्रांसपेरेंट इन पब्लिक लाइफ। इफ़ यू आर नॉट ट्रांसपेरेंट इन पब्लिक लाइफ देन नथिंग विल बी अचीव्ड। मैंने देखा है कि मेरे नाम में बहुत लोग अच्छे पोजिशन में आ चुके हैं, मेरे नाम में बहुत लोग ने बहुत अच्छा जिंदगी बना दिया है, लेकिन मेरा नाम को इस्तेमाल करके अपने टिपरासा को गुमराह करने के लिए मैं अलाउ नहीं करूँगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोटेक्टिंग anyone. आई want ट्रांसपेरेंसी, आई want ऑनेस्टी। एंड tomorrow, द TTADC एडमिनिस्ट्रेशन should come out with these three things which I'm asking for. If you want to protect and if you love your Bhubhagra, if you care for your Bhubhagra, then you should not do things which affect my reputation, our reputation as a community, as individuals. It is extremely important for all of us to maintain dignity, honesty and clarity in public life. Belaino Hambai, thank you. God bless you.